बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं शान सलीम, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शुक्रिया। सुबह के 10 बज चुके हैं, तो अभी हमारा खाने का हो गया है टाइम। भाई भी आ गए हैं खाना लेकर। आज काफ़ी दिनों के बाद भाई और मैं इकट्ठे खाना खाने लगे हैं। पहले हमारी टाइमिंग चेंज होती है, मैं अक्सर चारा लेकर आता हूँ और फिर ही खाना खाता हूँ। भाई काफ़ी दफ़ा पहले भी खा लेते हैं। रात का बनाया हुआ है चने का सालन, काले चने हैं, अचार है साथ में और ये रहा दही। अभी खाना खाते हैं। अबू जान अक्सर अपना तंबाकू काट के फिर धूप पर रख देते हैं ताकि अच्छी तरह फिर सूख जाए, फिर हुक्का में डालते हैं और फिर हुक्का पीते हैं। हुक्का पीने वाले लोगों के लिए यही वाला काम होता है। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्मेल भी आ रही है तंबाकू की मुझे तो। नज़ला भी हुआ है जिसकी वजह से तो ज़्यादा ही ख़तरा है तंबाकू की स्मेल का। इतना कमाद वैसे पड़ा रहा था, बाकी तो हमने कटाई कर दिया था और साथ में कुछ चारा था जवार का, और ये पैसा पड़ा पड़ा धूप के साथ बिल्कुल खुश्क हो चुका है, हरियाली ख़त्म हो गई है इसमें से। 3 दिन भाई ने लगातार हमारे चूज़ों को दी थी जी रानी खेत गोलियाँ। अभी पहले से बेहतर है लेकिन इतने ज़्यादा बेहतर भी नहीं है। एक जगह पर बैठे रहते हैं, आँखें भी बंद करते हैं। काफ़ी इनको बीमारी आई हुई है, जो चूज़ों को बीमारी आती है कोकड़ा उसे कहते हैं पंजाबी में, वो वाली बीमारी। इनको फिर बुखार हो जाता है और फिर काफ़ी सुस्त हो जाते हैं। देख सकते हैं कि कैसे बैठे हुए हैं। इधर इनको गंदम के दाने भी रखे थे और साथ में पानी भी रखा हुआ है, जैसे इनको भूख प्यास लगती है फिर पी लेते हैं। चीनी हमारे घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। पहले हम चीनी का थैला लेकर आते थे लेकिन अभी भाई पैकेट में ले आते हैं। आज भाई लेकर आए हैं 10 किलो चीनी। हाँ जी भाई, कितने की मिली है चीनी ये वाली? ये भाई 85 रुपये की किलो है, 10 किलो है। अभी जी चीनी को इस वाली बाल्टी में रखेंगे, ऊपर इसका ढक्कन भी दे देते हैं ताकि मक्खियाँ कीड़ियाँ वगैरह इसमें ना जाए। आज टीचर डे था। हाँ जी भाई, टीचर को आपने क्या गिफ्ट किया? जी भाई मुझे पता ही नहीं था ये टीचर डे है, इसलिए गिफ्ट नहीं किया। नहीं नहीं, मुझे पता ही आपसे पता चला है। टीचर ने कुछ कहा नहीं आपको, एडवाइस दी? नहीं, कोई नहीं, कुछ भी नहीं, वो कह रहे थे दरोशरी पढ़ो सब लोग। टीचर डे था तो टीचर डे के हवाले से सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सबसे बड़े टीचर हैं, जिन्होंने हमें दुनिया में रहने का तरीका बताया। उनकी सुन्नत पर हम अमल करके अपनी ज़िंदगी आसानी के साथ गुजार सकते हैं। और दूसरे नंबर पर फिर दूसरे जो हमारे टीचर स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, जो हमें पढ़ाते हैं, हमारी ज़िंदगी तब्दील करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं हमारे लिए करते हैं। हमने उनको कौन सा कोई चीज़ देनी होती है या हम के साथ उन्हें कोई मुफाद होता है, बस वो यही सोचते हैं कि बच्चों की तरबियत हो जाए और अपने ज़िंदगी में कामयाब हो जाएं। ज़्यादातर आज के दिन टीचर को गिफ्ट दिए गए हैं और पार्टी फंक्शन भी काफ़ी स्कूलों कॉलेजेस में हुए हैं। मेरी तरफ से भी तमाम टीचर्स को सलाम, मेरे जो भी टीचर हैं। गला भी मेरा ख़राब है, साथ में नज़ला ज़ुकाम भी है। मैं लेकर आया था जी जुशांदा, इसमें जड़ी बूटियाँ तमाम मिक्स होती हैं, अभी इसको तैयार करते हैं। इसके साथ फिर गला ठीक हो जाता है। अभी कुछ मैंने पैन में रखा है पानी और इसमें थोड़ा मिक्स कर देते हैं हर किस्म का ही। अभी पैन को कुछ टाइम के लिए आग पे रख देते हैं ताकि अच्छी तरह पक जाए, बॉयल हो जाए। A few moments later. अभी जी हमारा जुशांदा काफ़ी पक गया है, अभी इसमें कुछ चीनी ऐड कर देते हैं हसबे जायका। वैसे तो मुझसे नहीं पिया जाएगा अगर चीनी ना डाली तो। अभी मैं अपना जुशांदा इस बाउल में डालता हूँ पीने के लिए। पिछले हफ्ते भाई की हम शर्ट्स देकर आए थे दर्जी को सिलाई होने के लिए। भाई की स्कूल शर्ट है तो भाई ने पहनकर स्कूल जानी है। साकब साहब ने अभी ये क्या लिया है आपने? ट्राउजर है, दो पैंटे हैं, वो छोटी पूरी करवानी है। नहीं ये भी वो पैंट है भाई के पास, वो छोटी करवाएंगे, पहले शायद बड़ी है। शर्ट्स जो है भाई की स्कूल की यूनिफॉर्म की है। अभी दर्जी से पता करते हैं उन्होंने सिलाई की है या नहीं। भाई की शर्ट्स फाइनली हो गई हैं तैयार, सिलाई कर दी हैं दर्जी साहब ने। और ये वाली भाई की पैंट थोड़ी छोटी करवाने वाली थी, अभी ये भी कर देंगे, सुबह को ले लेंगे। अभी शर्ट्स वाला काम तो हो गया। ओके, थोड़े पैसों में ज़्यादा निम्को, टेस्टी टाइम मिक्स निम्को, ये मेरी पसंदीदा निम्को है। मैं मूँगफली भी होती है, काफ़ी मज़े की है, अगर किसी ने नहीं खाई तो खा के चेक ज़रूर कीजिएगा। पिछले हफ्ता जी हमने अपना बरसेम का चारा जो है उसका बीज खेत में डाल दिया था अबू जान ने पानी लगा के। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं देखने आया हूँ और माशाल्लाह से बरसेम का चारा हमारा ग्रो होना शुरू हो चुका है। अभी बिल्कुल छोटे छोटे पौधे हैं जो कि आप देख सकते हैं,
सर्दियों में ये वाला चारा कटाई किया जाता है भैंसों के लिए। ये सर्दियां आ रही हैं, फिर ये बड़ा बड़ा हो जाएगा। दो दिन पहले हमने एक टहना जो है कटाई कर लिया था हमारे सूखे हुए दरख्त का। लकड़ियों की काफ़ी ज़रूरत होती है आग जलाने के लिए। अभी ये वाला भी अबू जान कह रहे थे कि ये वाला भी हम कटाई करेंगे ऊपर से, ये भी कर ले जाएंगे, फिर लास्ट में जो नीचे वाला रह गया वो भी उखाड़ के ले जाएंगे तना। भैंसों को आजकल हम डाल रहे हैं कमाद, और कमाद में ज्वार का चारा होता है, दोनों मिक्स करके इनको कटाई करके डाले जाते हैं। अभी गन्ना चूसने को मेरा दिल काफ़ी कर रहा था, लेकिन एक दिन मैंने गन्ने का रस पी के चेक किया था, अभी तक रस इसका अच्छा नहीं हुआ क्योंकि मौसम नहीं आया जिसकी वजह से इतना मीठा नहीं है, थोड़ा कड़वा कड़वा आया गन्ने का रस। वैसे तो माशाल्लाह कमाद बड़ा बड़ा हो चुका है। इधर हमने डलवाई थी मिट्टी की ट्रॉलियाँ, जानवर यहाँ पर बांधे जाते हैं दिन को। अबू जान और भाई ने कुछ तो लेवल कर दी है मिट्टी, कल भी की थी लेवल और आज भी की है, कुछ जो रह गई है वो सुबह लेवल कर देंगे। और बाकी पौधों की भी सफाई की है, कटिंग वगैरह की है, ये भी अबू जान ने किया है काम। अमरूद का पौधा है, ये भी काफ़ी फैल चुका है, इसको पानी वगैरह दिया जाता है। अंगूर की बेल भी छत पे चढ़ा दी गई है, माशाल्लाह काफ़ी ग्रो कर गई है। और जी जामुन के पौधे भी हमारे कामयाब हो गए हैं, काफ़ी ग्रो कर रहे हैं ऊपर। भाई लोगों ने इधर मिट्टी डाली है तो इनके पत्तों पर भी पड़ चुकी है। पौधे उसी वक्त ग्रो करते हैं जब आप इनको रोज़ पानी दें ताज़ा, तो आज भी इनको पानी दिया गया है, भाई ने दिया है पानी। चलें भाई आ जाएं, भाई आ जाएं, जल्दी पानी पिएं और अपनी जगह पे जाएं जहाँ पर रात को रेस्ट करेंगे। रोज़ जी इस टाइम हम भैंसों को चारा डाल देते हैं मगरिब टाइम, और सुबह सुबह फिर अबू जान सुबह की नमाज़ पढ़ने से पहले खुली पर भैंसें बांध देते हैं, फिर चारा खा लेती हैं। दिन में दो दफ़ा इनको चारा खिलाया जाता है भैंसों को। अभी पानी पी रही हैं, पानी पी के इनको इधर बांध देंगे एक साइड पे। हमारा न्यू जानवर जी अभी माशाल्लाह काफ़ी खाने पीने लग गया है, काफ़ी बड़ा भी हो चुका है और तेज़ भी हो गया है। ओए ये थी जी मेरी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अभी चूज़ों का वक्त भी आ गया है टोकरे के नीचे इनको देने का। चलें भाई अपनी अपनी बारी पे।